हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रैनबेरी हिबिस्कस के इस सुंदर से फूल के साथ। और ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के फूल लगे हैं इसमें, तो ये मैंने दो प्लांट्स लिए हुए हैं। और भैया ने तो इनको, जो माली भैया था, उसने तो इसको बोला पीस हिबिस्कस, पर ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। आप लोग भी देखिए ये फ्लावर और इसकी बर्ड्स, ये भिंडी की तरह से, तो मेरे ख्याल से तो ये क्रैनबेरी है और स्मॉल साइज़ का हो सकता है हाइब्रिड और छोटी वैरायटी का ही हो, क्योंकि फूल बहुत छोटा है। पहले भी मैंने देखा है क्रैनबेरी का, तो उसमें तो थोड़ा बड़ा फूल आता है, लेकिन ये बिल्कुल भिंडी की जाति का लगता है। इसकी बर्ड्स भी बिल्कुल इसी तरह आती हैं और इसके पत्ते भी, और फ्लावर भी आप देखिए, फ्लावर भिंडी में थोड़े से येलो लगते हैं और इसमें इस तरह के, बट सेम से ही लगते हैं एकदम से। और ये दो प्लांट हैं देखिए, और ये 150 रुपये में दो प्लांट मिले हैं और दोनों प्लास्टिक के बैग में लगे हुए हैं। तो अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया, दो दिन हो गए इनको लिए हुए, तो मैं धीरे धीरे रिपोर्टिंग ही स्टार्ट की हुई है। और डेली मैं दो चार प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये नवंबर का महीना, अक्टूबर एंड का महीना, इस तरह का मौसम होता है कि इसमें रिपोर्टिंग ख़त्म कर लें, उसके बाद में तो ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाती है। तो बहुत सर्दी में इन परमानेंट प्लांट्स की तो रिपोर्टिंग थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स की मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, और आज जो मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ वो है हाइब्रिड वाला हिबिस्कस। ये वाला हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, और मैंने बहुत बारी आपके साथ शेयर किए हैं। तो अभी कुछ टाइम से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और इसको मैंने कट भी कर दिया था। ये प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है और हर साल काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन मैंने क्या किया था, इसमें साइड में पेंटास की कटिंग्स लगा दी थी। और अभी देखेंगे आप, पेंटास का प्लांट मैंने शिफ्ट नहीं किया तो ये इतना हैवी हो गया कि अब ये दोनों का इकट्ठे सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा आज इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ, दोनों को सेपरेट कर देती हूँ। तो पेंटास में तो फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि पेंटास को मैंने बाद में लगाया था तो इसके तो फ्लावर्स मैं उतारती भी रहती हूँ। देखिए इतने ऐसे बंचेस में फ्लावरिंग होती है और फिर इसके बाद इसको हटा देते हैं। तो अभी भी बर्ड्स आ रही हैं इसमें, लेकिन जो मेरा ये हाइब्रिड वाला गुड़हल है, इसकी ग्रोथ थोड़ी रुकी हुई मुझे महसूस हो रही है। और इसमें काफ़ी दिन पहले एक फ्लावर आया था, तो इसके बाद में इसमें कोई फ्लावर नहीं लगा और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। तो उस कटिंग को भी मैंने लगा दिया था, और इसमें भी 3-4 ब्रांच हैं ये, तो ग्रोथ तो ठीक है मगर इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो वैसे भी ये काफ़ी टाइम से इस गमले में लगा हुआ है और दोनों की जड़ों से ही गमला काफ़ी भर चुका है, ये देखिए आप इस तरह से। तो शायद इसका, इन दोनों का एक साथ में सर्वाइव करना मुश्किल है, इसलिए दोनों को सेपरेट करती हूँ। और इसमें से मैं हिबिस्कस को निकाल लूँगी और रूट बॉल के साथ ही निकालूंगी, ताकि कोई डैमेज ना हो इसका, कोई नुकसान ना हो पौधे का। और इसको मैं सेपरेट गमले में लगा दूंगी और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ इसको निकाल के, दोनों को निकाल लेती हूँ। और पेंटास को मैं इसी में डाल दूंगी, दोबारा से रिपोर्ट कर दूंगी। और ये जो मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसको मैं दूसरा गमला दे दूँगी। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जब इसको, इन दोनों को मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला पेंटास का प्लांट मैंने निकाल दिया और काफ़ी अच्छे इसकी रूट्स आपको नज़र भी आ रही हैं। और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है, एकदम से निकल के आ गया। लेकिन ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसकी रूट्स देखिए पूरे गमले में फैली हुई हैं और शायद इसी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर रहा। तो इसको मैं बिल्कुल आराम से निकालूंगी और जितनी रूट्स इसकी दिखाई दे रही हैं सिर्फ उतनी को मैं कट करूँगी, बाकी की अगर मिट्टी में इकट्ठी हैं तो मैं उनको नहीं निकालूंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये गमला अब इसके लिए छोटा पड़ रहा है, इस वजह से भी, क्योंकि दोनों एक साथ थे। तो इसको मैं बिना डैमेज किए निकालती हूँ, और अगर एक्स्ट्रा रूट होंगी तो मैं ज़रूर कट कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निकल आया और इसकी देखिए रूट्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो पतली पतली रूट्स हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगी और फिर इसकी मिट्टी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, और इसमें मैं पेंटास लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जड़ें कहाँ तक, किस तरह से बिल्कुल नीचे तक आई हुई है और ये अपने आप से निकल गई हैं। तो अब ये गमला मैंने खाली कर लिया है
और वे इसकी मिट्टी बना के फिर इसमें मैं पेंटास को डालती हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। इसमें पुरानी गमले की मिट्टी और थोड़ी सी मैंने नई मिट्टी भी मिला दी है, और इसमें 30% के करीब, 25-30% के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये फंजीसाइड है 1-1 चम्मच, और ये बोन मील, और 1 चम्मच बोन मील है, और 1.5 चम्मच के करीब ये नीम खली है, और ये जो येलो येलो है ये थोड़ी सी मैंने इसमें सरसों की खली डाल दी है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 स्पून ही डाली है, और ये हाथ से ऐसे ही क्रश हो जाती है। तो इन सब का मिक्स करके मैं इस गमले में भर लेती हूँ और फिर इस पेंटास को लगाऊंगी मैं। रिपोर्ट करने से प्लांट की एक तो रूप अच्छे से निखर के आता है, अच्छे से वो ग्रोथ हो जाती है उसकी, और खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको इतनी खाद देना तो बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 1-2 साल के बाद तो इनकी रिपोर्टिंग भी ज़रूरी बन जाती है। और मैंने तो इसलिए रिपोर्ट किया क्योंकि मेरी ये गमला दोनों प्लांट्स के लिए छोटा पड़ रहा था, और वैसे भी मेरे हिबिस्कस 3-4 साल से लगे हुए हैं और मैंने रिपोर्ट नहीं किया था इनको, तो शायद इसी वजह से ग्रोथ रुक गई थी। तो इसलिए अब इसमें पेंटास को मैं बिठा लेती हूँ। मैंने गमले को इतना फिल कर लिया और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको इतनी खाद तो देनी बनती है। और देखिए फ्रेंड्स इसकी भी रूट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, इनको भी मैं कट कर लेती हूँ, हल्का हल्का ट्रिम कर दिया मैंने रूट्स को, और अभी इसे गमले में बिठा के इसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मिट्टी को दबा दबा के मैंने अच्छे से भर दिया है, कोई एयर गैप ना रहे ये ध्यान रखते हुए, और प्लांट की नीचे की पत्तियों को जो मिट्टी मिट्टा चोर है उन्हें ज़रूर रिमूव कर देना चाहिए, और साथ ही इस प्लांट की सफाई करते रहना चाहिए। कोई भी प्लांट हो उसकी सफाई करते रहे, पूरे पीले पत्ते सड़े हुए पत्ते हटाते रहें तो प्लांट वैसे भी सुंदर लगता है। और ये जो प्लांट है पेंटास का, ये मेरे यहाँ बहुत सारे लगे हैं, सभी फ्री के लगे हुए, मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उससे ही अभी 4-5 प्लांट्स हैं मेरे पास, बल्कि ज़्यादा ही हैं। और इस तरह से अब जैसे ये टहनी बहुत लंबी हो गई हैं तो इनको भी कट करते रहें। तो अभी मैं इसको आज तो नहीं पर बाद में इसको 1-2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा ट्रिम भी कर दूँगी। वैसे तो मैं जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है वो करती रहती हूँ, जब भी फूल स्पेंट हो जाते हैं तो उन्हें उतारते हैं, तो थोड़ा सा वो नीचे से ही इनको कट करते हैं। तो इस तरह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है। और अब इसको पानी दे देंगे ताकि जड़ों तक भी अच्छे से पहुँच जाए पानी, और मिट्टी तो काफ़ी सूखी ही थी तो अभी खाद मिलने से, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी जो नीचे से निकल जाए, लेकिन इतना ज़रूर देना चाहिए कि पौधों में जड़ों में आराम से पहुंच जाए। अभी इसको थोड़ा सा सेमी शेडी एरिया में रखना भी बड़ा ज़रूरी है, वैसे तो अभी धूप में बहुत तेज़ रहा भी नहीं है और कभी कभी तो धूप आती भी नहीं है यहाँ दिल्ली में, तो इसको अभी थोड़ा सा सेमी शेड में रखूँगी और 2 दिन के बाद फिर इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, लेकिन ये पेंटास एक ऐसा प्लांट है जो 1-1.5 महीना या 15-20 दिन छोड़ के बाकी पूरा साल फ्लावरिंग करता है, तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, और मेरे तो सारे फ्री के प्लांट्स हैं। तो आप इस तरह से कटिंग से इसे तैयार कर सकते हैं, और इसकी अभी भी मैंने 2 स्टेम्स काटी हैं, और ये देखिए ये नीचे मिट्टी में टच हो रही थी तो बिल्कुल नीचे से थी ये, यहाँ से ये देखिए ये, तो मैंने इनको कट कर दिया और इससे नया प्लांट बन जाएगा। तो किसी छोटे गमले में मैं इनको लगा दूँगी और कुछ ही दिन में बहुत जल्दी से रूट्स तैयार हो जाएंगी। अभी जो मौसम है ये कटिंग्स भी बड़े इजीली आराम से लग रही हैं और बहुत ज़्यादा हमें बहुत केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो फटाफट से हमारे फ्री के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही आज की पेंटास की रिपोर्टिंग हो गई है, और हिबिस्कस की मैं बाद में कर लूँगी, वीडियो नहीं शेयर करूँगी आपके साथ, फिर किसी वीडियो में मैं दिखा दूँगी रिपोर्टिंग हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।